हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स आज। चैप्टर है आपका सेट्स, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। उससे पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सेट्स की बात चल रही है यहाँ पे, सेट्स यानी समुच्चय। तो जो हम कॉन्सेप्ट हमने किया था बच्चों प्रीवियस सेशन में, एक बार उसको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों हमने अंतराल के बारे में पढ़ा था। अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। तो जो R है उसका सबसेट के इंटरवल किस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये बताया गया है। तो देखिए दो टाइप के इंटरवल हैं, एक तो ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल। विवृत मतलब खुला अंतराल, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, हम दो एलिमेंट्स मान लेते हैं ए और बी, एंड दे बिलोंग टू आर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ए है वो एक्स से छोटा है, बी एक्स से बड़ा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ये बोल सकते हैं। तो समुच्चय क्या हो जाएगा यहाँ पे, x such that a is smaller than x and b is greater than x, ये चीज यहाँ पे आप बोल सकते हो। और विवृत अंतराल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, विवृत अंतराल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि भाई ये ठीक है, इसका रिलेशन कैसा है, इनका रिलेशन कैसा है। तो देखिए अगर a स्मॉलर देन है एंड b ग्रेटर देन है, सिर्फ स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है कि ये खुला अंतराल है। इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका ब्रैकेट देखिए, स्मॉल ब्रैकेट से इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है ab, है ना, इस तरह से इनको प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, यानी संवृत अंतराल, मतलब बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल। इस केस में देखिए ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है, ए इज स्मॉलर देन नहीं है अकेला, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू है, मतलब एक्स ए के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जहां पे ओपन इंटरवल था वहां पे एक्स सिर्फ ए से बड़ा था, उसके बराबर नहीं था। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में समुच्चय हम लिखेंगे इस प्रकार से, और इसको संवृत अंतराल कहेंगे। और यहाँ पे आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट आप देखिए बच्चों किस तरह से इसको डिनोट कर दिया जाता है। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल स्टूडेंट्स। इसके बाद अब दोनों चीज आ जाती है, खुला अंतराल और बंद अंतराल, है ना। तो एक हो गया आपका बंद अंतराल, एक हो गया खुला अंतराल। तो स्टार्टिंग में देखिए, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं a इज स्मॉलर देन x एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो एक तरफ तो हमारा ओपन इंटरवल हो गया, एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल। तो हम ब्रैकेट्स भी उसी तरह लगाएंगे, दूसरे में हम पहले क्या कर देते हैं क्लोज्ड इंटरवल, दूसरे में ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे ये नॉलेज आपको होना जरूरी है बच्चों, जो ये साइन है स्मॉलर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसको कैसे हम यूज करते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। जैसे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह एक्स इज स्मॉलर देन वाई, मतलब एक्स छोटा है वाई से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरवल जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बच्चों, इसके आधार पे आप क्वेश्चंस करोगे। एक बार इनको रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट अगर है तो आप पूछ लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो नोट डाउन कीजिए इसको और ध्यान से इनको रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप इंटरवल अंतराल के रूप में कैसे इनको प्रेजेंट करेंगे, यहां से पता लगता है ना। तो ये कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, और क्यों आएगा। तो ये आपको पता लग गया भाई, ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये कब आएगा, जब हमारा इंटरवल, जब हमारा जो साइन है ए इज स्मॉलर देन एक्स है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये वाला आएगा, और जहां पे इक्वल टू का साइन है वहां पे ये वाला ब्रैकेट आएगा,
ये चीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि इजीली आप इसको समझ पाए। यहाँ पे बोला गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इंटरवल्स, तो ये आपको समुच्चय के रूप में दिए गए हैं, इनको आपको अंतराल के रूप में लिखना है। स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट में करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको बोला गया है x such that x belongs to R, R मतलब रियल नंबर्स, और यहाँ पे -4 इज स्मॉलर देन x, स्मॉलर देन इक्वल टू 6 है। तो इस केस में बच्चों देखिए जो -4 है वहां पे सिर्फ ये साइन है ना, तो इसका मतलब इस केस में कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला, और 6 यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं तो आपको पता लग गया अभी कौन सा ओपन इंटरवल है कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं बच्चों। इसी तरह से इसके सभी पार्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी के पार्ट सॉल्व कीजिए बच्चों, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स बाकी सभी क्वेश्चंस भी आपके हो गए होंगे, किस प्रकार से करें हैं आपने, देखिए एक बारी हम साथ में इनको करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, -12 है और दूसरा है -10। तो इस केस में देखिए दोनों ही क्या हैं, दोनों आपको कौन से इंटरवल दिख रहे हैं बच्चों, दोनों ही मुझे ओपन इंटरवल दिख रहे हैं, तो आप इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देंगे अगर आपके ओपन इंटरवल यहाँ पे हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों अगला देख लीजिए। देखिए ओपन इंटरवल का मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, है ना, ओपन इंटरवल कौन सा होता है और क्लोज्ड इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और क्लोज्ड इंटरवल जो होगा उसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक ओपन है एक क्लोज्ड है, है ना, तो जो आपका 0 है और 7 है, तो 0 क्या है, 0 क्लोज्ड इंटरवल है, 7 ओपन इंटरवल है, इस तरह से आप लिख देंगे। फोर्थ वाला देखिए, अब दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल हैं तो 3 और 4 लिखेंगे और ये क्लोज्ड इंटरवल होगी। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में इसी से लिंक है अगला आपका क्वेश्चन, तो इसमें आपको बोला गया है कि भाई जो ये समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको इंटरवल के रूप में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। अब वो आपको डिसाइड करना है कौन सा ओपन इंटरवल है कौन सा क्लोज इंटरवल है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट करना है मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको जैसे क्वेश्चन दिया है मान लीजिए, ठीक है ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x such that x belongs to R, है ना, x belongs to R, और दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं, तो क्लोज इंटरवल के केस में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। बस इससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इंटरवल से, यही चीज है। तो देखिए ये सेम आ गया एज इट इज, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अभी आप, ठीक है अभी 8 नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 7 ही आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है वो आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, फिर इसको आप हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इंटरवल आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहला वाला देखिए क्या, कौन सा इंटरवल आपको दिख रहा है? मुझे तो भाई ओपन इंटरवल दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल है। तो किस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। इसी तरह से चारों पार्ट आप इसको सॉल्व कर देंगे इसके बच्चों। तो फर्स्ट में जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -3 और 0 है तो -3 इज स्मॉलर देन एक्स एंड 0 इज ग्रेटर देन एक्स, ये आप लिख देंगे इस तरीके से, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। तो जल्दी से इनको हल कीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहां पे जो है आपके लिए ये क्या है, ट्राइंगल्स होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बट आप फर्स्ट इसको करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और आपको -3 दिया है, इट इज स्मॉलर देन एक्स एंड स्मॉलर देन 0, ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसी तरह सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ आप कर लेंगे बच्चों। जल्दी से हल कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस आप किस प्रकार करेंगे देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे आपको कौन सा इंटरवल दिया है, ये क्लोज्ड इंटरवल है बच्चों। क्लोज्ड मेरे को इस ब्रैकेट से पता लगा है, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा और 12 है, और क्लोज इंटरवल के लिए स्मॉलर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर 6 है एंड 12 है। बस इस केस में क्या हो जाएगा, एक इंटरवल आपका ओपन रहेगा, एक इंटरवल क्लोज्ड रहेगा। फोर्थ पार्ट देखिए कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इस केस में एक इंटरवल आपका क्लोज्ड होगा, एक ओपन होगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्लोज्ड है और कौन सा ओपन है। तो ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर देंगे। देखिए कितनी इजीली हमारे चारों पार्ट्स इसके हल हो गए हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो आपको यहाँ पे पार्ट्स दिए हैं, सबसे पहले एक सेट दिया है ट्रायंगल्स का, राइट ट्रायंगल्स का, राइट ट्रायंगल्स यानी समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिया है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुजों का समुच्चय आप बोल सकते हो। तो बच्चों समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और इसमें समकोण त्रिभुज दिया है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों पार्ट आपके आ रहे हैं ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये ट्रायंगल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल तो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और जिसकी दो साइड इक्वल हो, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल आपके सामने आ सकते हैं, है ना, जिसकी साइड्स अलग अलग हों, स्केलेन ट्रायंगल ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा और मैं इसको अलग सा बना दूं ताकि आपको
पता लग जाए। देखिए ये तीनों साइड अलग अलग लग रही हैं। अब इसी तरह से दो साइड जिसकी इक्वल हो वैसा ट्रायंगल भी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों बहुत सारे ट्रायंगल्स आ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स आ जाते हैं, सब सेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होगा बच्चों, सेट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में तो सब आ जाते हैं, इसीलिए मैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोलूंगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे, और जो यहाँ पे नहीं दिए वो ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे बच्चों। इसीलिए यहाँ पे आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिखेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय हिंदी में आप लिखेंगे, यह इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है। गिवन द सेट्स ए, आपको सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 6, सी दिया है जिसके एलिमेंट्स 0, 2, 4, 6, 8 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर द ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। तो इन तीनों सेट्स के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जा सकता है, इन चारों पार्ट्स में से ये बताना है बच्चों। तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं 0, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें अगर हम चेक करें तो 1, 3, 5 सेट ए में है। क्या क्या, 1, 3 एंड 5 सेट ए में है। फिर सेट बी में क्या है, 2, 4, 6 है। तो 2, 4 और 6 सेट बी में आ गया। फिर सेट सी में है 0, 2, 4, 6, 8। तो 0, 2। तो बच्चों यहां पे हम आप देखेंगे तो कि जो सेट सी है उसमें से 8 मिसिंग है, है ना। 8 तो यहाँ पे नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारी चीजें होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इन सेट्स के, और जो नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो 8 मिसिंग है, तो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता। सेकंड वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये है एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट है, इसमें तो सारे ही एलिमेंट्स मिसिंग है। इसी तरह से बच्चों हम सभी को चेक करेंगे तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में से कुछ मिसिंग है या नहीं है। तो 1, 3, 5 देखेंगे, देखिए थर्ड पार्ट में 1, 3 और 5 प्रेजेंट है। सेट ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट बी के देखेंगे 2, 4, 6, तो 2, 4 और 6 प्रेजेंट हैं। फिर सेट सी के एलिमेंट देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, क्या देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं बच्चों, ठीक है। सेट फोर में देखेंगे तो सेट फोर में 0 मिसिंग है ना, 0 मिसिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड सेट इज यूनिवर्सल। बस आपको ये फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि भाई यूनिवर्सल सेट के आधार पे कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो इंटरवल वाले क्वेश्चन हैं वो आ जाए, सब सेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो इजीली हम कर पाएंगे यहाँ पे। अब तो बच्चों इनको प्रैक्टिस जब तक करेंगे आप, तब तक आप बहुत ही अच्छे से इनको सीख पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।